बी आर चोपड़ा की महाभारत के एक एक किरदार ने अपने अभिनय के दम पर महाभारत कथा को जो लोकप्रियता दी उसके चर्चे आज भी हैं और आने वाले कई सालों तक ऐसी ही चलती रहेगी। कई ऐसे कलाकार हैं जो अपने किरदार को लेकर आज भी रोचक बातें बताते हैं जिनको सुनने में दर्शकों को बहुत मजा आता है। ऐसा एक दिलचस्प किस्सा है अभिनेता पंकज धीर का, जिनको आप सभी महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि कर्ण के पास वो ताकत थी जिसका बड़े बड़े योद्धा भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि पंकज धीर बी आर चोपड़ा की महाभारत में सबसे पहले अर्जुन का किरदार करने वाले थे, लेकिन उन्होंने यह ऑफर इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनको अपनी मूंछों से बहुत प्यार था। इस बारे में खुद पंकज धीर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कई साल पहले जब मेरे पास कोई काम नहीं हुआ करता था तब मैं बी आर चोपड़ा जी के डबिंग स्टूडियो में इंग्लिश फिल्मों को अपने हिंदी में आवाज दिया करता था। उसी दौरान मेरी मुलाकात मदन चोपड़ा से हुई जो खुद बी आर चोपड़ा की उस टीम में शामिल थे जो महाभारत बनाने जा रही थी। मदन जी ने मेरी मुलाकात बी आर चोपड़ा से करवाई और उन्होंने एक्टिंग के बाद मुझे अर्जुन के किरदार के लिए सिलेक्ट कर लिया। मैं भी उस किरदार को अपना मानकर तैयारी करने लगा। इसी बीच मुझे बी आर चोपड़ा ने बताया कि एक सीन के लिए मुझे अपनी मूंछें कटवानी पड़ेगी जो कि अर्जुन के किरदार का हिस्सा है, क्योंकि मैं अपनी मूंछों से बहुत प्यार करता हूं और मुझे भी लगता है कि बिना मूंछों के मैं अच्छा नहीं लगूंगा, इसलिए मैंने अर्जुन का किरदार करने से मना कर दिया। इसी बीच पंकज धीर को बी आर चोपड़ा ने सूर्यपुत्र कर्ण के किरदार को करने का ऑफर दिया जिसमें पंकज धीर को अपनी मूंछें नहीं कटवानी पड़ती हैं। इसके बारे में भी पंकज धीर ने बताया कि जब बी आर चोपड़ा ने कर्ण के किरदार का ऑफर किया तो मेरा पहला सवाल यही था कि इस किरदार में मेरी मूंछें तो नहीं काटनी पड़ेगी, जिस पर बी आर चोपड़ा ने हंसकर कहा बिल्कुल नहीं। गौरतलब है कि पंकज धीर के निभाए गए कर्ण के किरदार को बहुत लोकप्रियता मिली थी। बॉलीवुड के ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।